टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम क्लास टेन एंड दिस इज चैप्टर वन डेवेलपमेंट एंड आय एट पेज नंबर इलेवन एज सी दिस इज एनसीआर राइट सो लेट्स बिगिन सबसे पहले आपको पब्लिक फेसिलिटीज समझने से पहले जानना होगा दिस वर्ड वर्ड इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पब्लिक पब्लिक हियर आई मीन पब्लिक सेक्टर वैसे तो ये पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब फैसिलिटीज गिवन टू पब्लिक बट हु गिव्स दैट ऐसे याद रखो तो पब्लिक सेक्टर देता है कौन होता है so, पब्लिक फैसिलिटीज में आता क्या क्या है फॉर द पब्लिक एंड गिवन बाय पब्लिक सेक्टर ऑल ऐसे याद रखेंगे आप तो फिर आपको याद रहेगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो सेक्टर होते हैं यहां हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं विच इज रन गवर्ड वाई गवर्नमेंट अब ये पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट अरेंज करती है बट ये क्या होती है वो आप सब इसमें याद पढ़ने वाले हैं चलिए आइए बुक में लेट्स रीड विद विद मी हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला अब ये क्वेश्चन है बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रुशियल एरियाज अब देखिए एवरेज इनकम वाइज कंपेयर करें तो महाराष्ट्र इज बेटर बट केरला प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज़ सो हाउ इज दिस द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट के नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल मतलब सो इनकम बाय इट सेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट एडिकुएट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू बाय जैसे फॉर normally your money cannot buy you a pollution free environment आप जितने मर्जी रिच हो, if you are in Delhi, see Delhi का pollution level कितना high हाँ है, so rich भी उसी pollution level में जी रहा है और poor भी, doesn't matter how much money you have, okay? so uh, आपको जो है pollution free environment आप नहीं arrange कर सकते, उसके लिए तो फिर हम क्या करने लगते हैं government को answerable कराते हैं, government should do something or ensure that you get an un unadulterated medicines. ये भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल थिंग्स। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजे एज वी कैन सी इन केस ऑफ कोविड जितना भी पैसे वाले लोग थे चाहे गरीब लोग थे सब लॉकडाउन में थे क्योंकि मनी कैनॉट बाय आपको बचाव थोड़ी सकती है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस से आप टूल्स खरीद सकते हो अपने आप को बचाने के आप अच्छे मास्क बाय कर सकते हो आप सैनिटाइजर्स हाई क्वालिटी के ले सकते हो घर को सैनिटाइज करा सकते लेकिन आप इन्फेक्शन इंफेक्शियस डिजीजेस से बच ऐसे कोई प्रोटेक्शन नहीं भी मेरे पास पैसा है देखो मुझे नहीं हो सकती ये नहीं कर सकते अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं सभी लोग प्रिकॉशनरी चलेंगे तो बात बनेगी अगर सभी इन्फेक्टेड होते जाएंगे तो फिर हमारे चांसेस भी बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest ways to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? You think about it? That is why we have a collective security system. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? अब आप अकेले पढ़ना चाहते हो आपका गांव या जिस भी टाउन में आप रहते हो कहीं नहीं पढ़ना चाहता तो वहां स्कूल ही नहीं है क्योंकि नीड ही नहीं है डिमांड नहीं है तो क्या आप पढ़ पाएंगे नहीं अब आप क्या स्कूल बना लेंगे अपने लिए टीचर्स अरेंज करेंगे प्रिंसिपल रखेंगे ऑफ कोर्स नॉट तो कुछ चीजें हमेशा कलेक्टिवली ही प्रोवाइड करी जाती है नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर So, you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now, in many areas, children, particularly girls, abhi bhi bahut sare areas they are not able to achieve secondary level schooling. क्योंकि गवर्नमेंट या सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज उनके गांव में सिर्फ एट्थ तक के स्कूल होते हैं जो बेसिक स्कूल्स होते हैं वहां तक पढ़ पाती हैं उसके बाद दे तो वो क्या पढ़ पाती हैं नहीं क्योंकि उनके लिए स्कूल वहां नहीं खोले गए हायर वाले तो इसलिए उनकी पढ़ाई रह जाती है चलिए लेट्स मूव हियर केरला हैज ए लो इन फैंट मोर्टेलिटी हमने इन फैंट मोर्टैलिटी अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था केरला में सबसे कम हैज एडिक्ड प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फेसिलिटीज क्योंकि सबके लिए वो हैं in some states, the PDS well. PDS है अवेलेबल सिमिलरली इन सम स्टेट द पीडीएस फंक्शन वेल पीडीएस समझते हैं न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसपे जिसके थ्रू जिसे हम राशन शॉप्स कह देते हैं राश, राशन शॉप्स जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं तो वहां पर बहुत अच्छे से काम करती हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टनली लाइकली टू बी बेटर क्योंकि सबको वहां चीप रेट पर यानी सस्ता खाना मिल जाता है तो उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहता है राइट right? चलिए आगे चले यहाँ आ जाते हैं हम नीचे ये आप अपनी एक्टिविटीज जो है वो आप अपना स्कूल के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं ये एक रिपोर्ट मैं आपको डिस्कस करूंगी अभी पहले हम आगे रीड कर लें इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आर नेबरहुड श्रीलंका इज मच हेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक आर्स हैज सच अ लो रैंक इन बुट द वर्ल्ड टेबल वन पॉइंट सिक्स ऑल्सो शोज दैट दो नेपाल देन हाफ द पर कैपिटा इनकम मतलब वहां के लोगों की इनकम भी हमसे आधी है येट इट इज नॉट फार बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल फिर भी वो हमारे बराबर है मेनी भी पहले आपको ये बात नहीं समझ पाएगी पहले हम ये टेबल समझते हैं फिर हम इस पे पढ़ेंगे देखिए इसमें क्या कर रहे हैं अब जो कंट्रीज है ना देखिए मैंने आपको जब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था तो दो टर्म्स बोले थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैंने ये भी कहा था कि ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स यानी क्वांटिटेटिव है दिस इज एज वेल एज नंबर्स प्लस क्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ ये सब हम इसमें देखते हैं तो हम यहां डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख रहे हैं क्योंकि किसी भी देश के फैसिलिटीज को देखकर हमें पता चल जाता है वहां कैसी डेवलपमेंट है तो ये से इसको भी समझने से पहले आप ये समझिए पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है इज दट इवन दो दिन इज इम्पोर्टेंट ये इन एडिकुएट मेजर ऑफ लुकिंग मतलब हमें पता है ये ग्रोथ में यानी क्वान्टिटेटिव नंबर इज इम्पॉर्टेंट नो डाउट अबाउट इट स्टिल ये अपने आप में सफिशेंट नहीं है क्योंकि ये हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बताता यही लिखा है ना राजे सो so, We begin to think of other criteria. There could be a long list of such criterias. Kansi jo qualitative measures mein aati hai. There could be a long list of such criteria but then it would not be so useful. What we need is a small number of the most important things. kaun, kaun si important hai? Health, education indicators. Ye do important hai. Such as the ones we used in comparison of Kerala and Maharashtra are among them.

डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमें देते हैं कंट्रीज को कंपेयर करता है ओके okay? सो अंडर यूएनडीपी पब्लिश बाई यू एनडीपी ह्यूमन डिवेलपमेंट रिपोर्ट बेटा यहाँ टर्म डिवेलपमेंट यूज हुई है देख रहे हो आप मैंने यहां डिवेलपमेंट बोला था ना आपको डिवेलपमेंट ये क्या क्या चीज इंक्लूड करते होंगे ये क्वालिटेटिव आस्पेक्ट भी लेते हैं और ये क्वान्टिटेटिव आस्पेक्ट भी लेते हैं राइट यूनाइटेड नेशन डिवेलपमेंट प्रोग्राम लेट्स चेंज द पेज सो दैट वी कैन हैव अ फ्रेश पेज हियर ओके बेस्ड द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल अब ये क्या क्या कंपेयर करते हैं देखिए एजुकेशन लेवल यानी जो ये एच डी रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉट डू दे कंपेयर दे कंपेयर एडुकेशन व्हाट एल्स दे कंपेयर दे कंपेयर हेल्थ। हेल्थ स्टेटस एंड क्वांट ये तो दोनों तो क्वालिटेटिव हो गया ना बेटा क्वांटिटी भी करते हैं ये पर कैपिटा इनकम भी कंपेयर करते हैं कैपिटा इनकम तो ये इनकम एस्पेक्ट भी हो गया देखिए दोनों एस्पेक्ट्स को ये कंपेयर करते हैं ऑल राइट right. चलिए आगे चले नाउ इट वुड बी इंटरेस्टिंग लुक एट टू लुक एट सर्टन रेलिवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स फ्रॉम द्यूमन डेवेलपमेंट रिपोर्ट ये देखिए आपके सामने रिपोर्ट आ गई अब मैं ये टेबल को स्टडी करते हैं श्रीलंका को कंपेयर देखिए क्या क्या चीजें ये हो गई इनकम फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर्सन इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर देखिए नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन कहा एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब आप किस देश में बर्थ ले रहे हो उससे आपकी लाइफ डिसाइड हो जाएगी अगर आप जापान में हो तो आपकी हाइएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी नाइनटी प्लस इफ यूर इन श्रीलंका देखो इट इज सेवेंटी फोर हमारे देश में इट इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर हाइएस्ट यहाँ बांग्लादेश है ना कैसा फूड मिल रहा है इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर द बेटर जितनी ज्यादा होगी उतना देश अच्छा है तो अगर आप इसको कंपेयर करें श्रीलंका भी हमसे बेटर है इवन नेपाल भी हमसे बेटर है बांग्लादेश छोटे छोटे देश है लेकिन हमारा कितना है आपको याद रखनी है फिगर अब आओ इनकम पे नेशनल इनकम कितना है देखिए श्रीलंका इज नाइन टू फाइव जीरो हमारा देश इज फाइव वन फाइव जीरो हमसे और कोई बेटर नहीं है श्रीलंका इज बेटर फिर आ गया लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यानी हाउ मेनी पीपल आर लिटरेट लिटरेट यानी जिन्हें वर्ड्स का ज्ञान है ना, मतलब नाम लिखना जानते हैं थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी जानते हैं मतलब हिसाब किताब करना आता है राइट right? तो लिटरेसी रेट देखिए किसका श्रीलंका इज मच बेटर 91.2 यानी 15 प्लस इयर्स के जो लोग हैं 90 परसेंट दे आर लिटरेट 92 परसेंट इन मायनमर रेस्ट 50-50 पर एंड देन कम्स दी इंडिया ओके एच रैंक अब ये ध्यान से सुनिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है आई स्टैंड फॉर इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये रैंकिंग करता है जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हें रैंक करते है ना फर्स्ट आया एक बच्चा एक सेकेंड आया आप कहते हो ये थर्ड है मैं क्लास में टेंथ पोजीशन पर हूं या इस तरह से ये रैंकिंग है ऐसे ही जो है ह्यूमन एच यू जो है यूएनडीपी जो है ये रिपोर्ट में अपनी रैंकिंग करता है देशों को अब सोच के बताओ जरा रैंक देखो विच इज बेटर लोअर द बेटर और हायर द बेटर टेल मी, फर्स्ट बेटर होता है या टेंथ बेटर होता है हम कहते हैं फर्स्ट आया है मतलब लोअर द बेटर याद रखना है ओके okay? ये दो तरह से इंडेक्स आपको दूसरा नहीं याद रखने की जरूरत है आप अभी सिर्फ इतना याद रखिए लोअर द बेटर तो देखो हमारा श्रीलंका इज सेवेंटी थ्री लोअर द बेटर वी आर एट वन थर्टी फाइव बाकी सब हमसे ऊपर है ओके okay? सो so, ये आपको टेबल दिया गया है सो so, आपको एग्जाम में ये टेबल भी आ सकता है एंड दे कैन आस्क यू टू एनालाइज तो एनालाइज आप तभी तभी करोगे जब आपको पता हो डू मेंशन किसे आपको स्कूल टीचर भी नहीं बताते बहुत बार डू मेंशन दिस फिगर लोअर द बेटर हायर एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज हायर द बेटर ओके लिटरेसी रेट क्या है बताइए सोच के हायर द बेटर सो ये अपनी तरफ से भी अपने इनपुट दीजिए अपने आंसर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए ठीक है राजे चलिए अब हम ये समझते हैं जो हम पैराग्राफ पहले पढ़ रहे थे इज इंट इट सरप्राइजिंग स्मॉल कंट्री अब ये सारा आप इस टेबल को एनालाइज करके लिख रहे हो अगर पेपर में आता है एनालाइज द टेबल सो यूल टू आंसर बाई राइटिंग दीज लाइन्स सो स्मॉल कंट्री इन अ नेबरहुड श्रीलंका इज मच हेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट हमने अभी देखा टेबल में

Public facilities and sustainability, I will cover in my coming video. Bye bye, take care.